दैनिक राशिफल में आज हम जानेंगे 23 नवंबर शनिवार का राशिफल। आज के राहु काल का समय है 9:39 से 11:01 तक। इस काल में आपको कोई भी शुभ कार्य नहीं करना है। तो आइए देखते हैं आज का राशिफल क्या कहता है। मेष राशि, मेष राशि के पॉजिटिव चीजों की बात की जाए तो व्यावसायिक साझेदारी को बृहस्पति के प्रभाव से काफी ज्यादा फायदा होगा। हालांकि किसी और के साथ अपने वित्तीय संसाधनों को जोड़ने से पहले आपको काफी होमवर्क करना चाहिए, तभी आपको उस कार्य में सफलता मिलेगी। अगर आपकी नेगेटिव चीजें देखी जाए तो आप खुद के दम पर और विश्वास के कारण आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित होंगे, लेकिन आपको ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी काम में हाथ डालने से पहले उसके लिए पर्याप्त तैयारी अवश्य कर ले। अगर आपके लव लाइफ की बात की जाए तो प्रेम जीवन में रहकर बाहर आएगी और आप समय समय पर प्रेम जीवन का आनंद लेंगे। दाम्पत्य जीवन में भी कोई बड़ी समस्या दिखाई नहीं दे रही है। अगर आपके व्यवसाय की बात की जाए तो आप किसी नए कार्य की तलाश में होंगे और अपनी स्वयं की क्षमताओं के बल पर किसी बड़े उद्यम के साथ आप जुड़ सकते हैं, जिसके कारण आपको व्यवसाय में अच्छी सफलता प्राप्त होगी। अगर आपके स्वास्थ्य की बात की जाए तो आपको मुख्य रूप से अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना होगा, क्योंकि यह आपका सबसे कमजोर पक्ष रह सकता है। आज आपका भाग्यशाली रंग है कथई और भाग्यशाली अंक है 3। वृषभ राशि, वृषभ राशि के पॉजिटिव चीजों की बात की जाए तो आपके संचार कौशल और संबंधों में विस्तार होगा और आप प्रकृति और जीवन से बहुत कुछ सीखेंगे। आपके इस समय कुछ नए दोस्त भी बन सकते हैं। आप भविष्य हेतु अनेक योजनाएं बनाएंगे जिसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। अगर आपके नेगेटिव चीजें देखी जाए तो ऑफिस अथवा कार्यालय में अपने अधीनस्थों पर अधिक भरोसा न करें, क्योंकि यदि आप ऐसा करते हैं तो वह आपके भरोसे का नाचायस फायदा उठा सकते हैं। अगर आपके लव लाइफ की बात की जाए तो आपका जीवन साथी आपको आपके प्रत्येक कार्य में समर्थन देगा और समय आने पर आपकी सहायता भी अवश्य करेगा। अगर आपके व्यवसाय की बात की जाए तो आपको अपने कार्यों से अच्छा लाभ हो सकता है और आपके करियर में आपकी स्थिति मजबूत होगी। यदि आप किसी मित्र के साथ कोई व्यापार कर रहे हैं तो इस दौरान आपको लाभ मिल सकता है। अगर आपके स्वास्थ्य की बात की जाए तो घर में कई ग्रहों की युति आपके स्वास्थ्य को प्रभावित करेगी। आज आपका भाग्यशाली रंग है काला और भाग्यशाली अंक है 2। मिथुन राशि, मिथुन राशि के पॉजिटिव चीजों की बात की जाए तो आपकी अनेक इच्छाएं पूरी हो सकती हैं, जिससे आप प्रसन्नचित रहेंगे और बहुत समय से अटकी हुई कोई योजना पूर्ण हो जाएगी, जिससे आपको अच्छा धन लाभ होगा। धार्मिक क्रियाकलापों में आप कुछ धन खर्च कर सकते हैं। अगर आपकी नेगेटिव चीजें देखी जाए तो अपना काम किसी और पर न टालें और स्वयं अपना कार्य करने की आदत डालें। माता पिता का अवश्य ध्यान रखें, क्योंकि उनकी सेवा के बिना भाग्य और सुख की प्राप्ति असंभव है। अगर आपके लव लाइफ की बात की जाए तो आपको अपने जीवन में प्यार और रोमांस का स्वागत करने के लिए तैयार रहना चाहिए। यदि आप किसी रिश्ते में पहले से हैं या किसी की तलाश में हैं, तो बृहस्पति आपको इस मामले में खुशी देने का कार्य करेंगे। अगर आपके व्यवसाय की बात की जाए तो आपके अपने व्यवसाय को लेकर कई विदेश यात्राएं हो सकती हैं, जिनका आपको सकारात्मक परिणाम प्राप्त होगा। अगर आपके स्वास्थ्य की बात की जाए तो स्वयं का ध्यान रखें और खुद को किसी भी तरह मानसिक रूप से कमजोर ना पड़ने दें। आज आपका भाग्यशाली रंग है लाल और भाग्यशाली अंक है 4। कर्क राशि, कर्क राशि के पॉजिटिव चीजों की बात की जाए तो आपकी सुदूर यात्राएं होंगी जो आपके लिए अति लाभकारी सिद्ध होंगी और उनके द्वारा आपको अच्छा धन लाभ भी हो सकता है और साथ ही साथ आपके मान सम्मान में भी वृद्धि होगी। अगर आपकी नेगेटिव चीजें देखी जाए तो अपने कार्य क्षेत्र में थोड़ा ध्यान दे, क्योंकि आपके विरुद्ध कोई षड्यंत्र हो सकता है अथवा कोई आपके विरुद्ध कोई ना कोई चाल चल सकता है, जिसके कारण आपको मान हानि उठानी पड़ सकती है। अगर आपके लव लाइफ की बात की जाए तो आपके विवाह की कामना पूर्ण हो सकती है, इसलिए इस दिशा में यदि आप प्रयासरत हैं तो अपने प्रयासों को थोड़ा और बढ़ाएं और ईश्वर की कृपा और उनके आशीर्वाद से आप इस वर्ष एक अच्छे जीवन साथी को प्राप्त करने में सफल होंगे।
अगर आपके व्यवसाय की बात की जाए तो आपके कार्य और व्यवसाय के लिए मजबूती का समय होगा। व्यवसाय की यात्राओं के लिए यह समय सामान्य रहने वाला है। अगर आपके स्वास्थ्य की बात की जाए तो यदि आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो आपको अपनी मानसिक क्षमताओं को बढ़ाना होगा और अपने तनाव को नियंत्रण में रखना होगा। आज आपका भाग्यशाली रंग है आसमानी और भाग्यशाली अंक है 9। सिंह राशि। सिंह राशि के पॉजिटिव चीजों की बात की जाए तो अपने पिता के साथ संबंधों को सुधारने का प्रयास करें। इससे न केवल आपको भाग्य का साथ मिलेगा, अभी तो आपके जीवन में तरक्की भी आएगी। करियर ऊंचाइयों पर जाने की अच्छी संभावना दिखाई दे रही है। अगर आपकी निगेटिव चीजें देखी जाए तो आपको इस बात का अवश्य ध्यान रखना चाहिए कि अत्यधिक आत्मविश्वास में पड़कर कोई भी गलत निर्णय न ले और अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को किसी भी प्रकार का कष्ट न दे। अगर आपके लव लाइफ की बात की जाए तो यह समय आपके प्रेम जीवन के लिए काफी अनुकूल सिद्ध होगा और आप अपने प्रियतम के साथ अच्छे समय का आनंद लेंगे। अगर आपके व्यवसाय की बात की जाए तो आर्थिक रूप से उन्नति के अनेक अवसर आपके सामने आएंगे और उसके फलस्वरूप आप अच्छा धन प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपके स्वास्थ्य की बात की जाए तो किसी भी छोटी से छोटी स्वास्थ्य समस्या को नजरअंदाज न करें, क्योंकि अष्टमेश और सप्तमेश का योग शनि के रूप में होने से आपको कोई दीर्घकालीन बीमारी हो सकती है। आज आपका भाग्यशाली रंग है बादामी और भाग्यशाली अंक है 7। कन्या राशि। कन्या राशि के पॉजिटिव चीजों की बात की जाए तो नई नौकरी आपको प्राप्त होगी। उसमें शुरुआत में तो आपको कुछ परिश्रम अधिक करना होगा, लेकिन उसके बाद वह टिकाऊ नौकरी में परिवर्तित हो जाएगी और आप एक अच्छे कार्यस्थल पर काम करने में सफल होंगे। अगर आपके निगेटिव चीजें देखी जाए तो समय आपको अपनी वर्तमान स्थिति पर विचार करने का मौका देगा और इस दौरान आप यह सोच समझ सकते हैं कि जो कार्य आप कर रहे हैं क्या आप वास्तव में वही करना चाहते हैं या कुछ और करना चाहते हैं। अगर आपके लव लाइफ की बात की जाए आपको बस इस बात का ध्यान रखना होगा कि आपका अहंकार रिश्ते के बीच में न आए, क्योंकि जहां अहम होगा वहां प्रेम नहीं रह सकता है। यदि आप ऐसा करने में सफल होंगे तो आपका प्रेम जीवन खिल उठेगा। अगर आपके व्यवसाय की बात की जाए तो आप अच्छा धन अर्जित कर पाएंगे। आप कई ऐसे निर्णय लेंगे जो भविष्य में आपके लिए धन गम के मार्ग खोलेंगे। अगर आपके स्वास्थ्य की बात की जाए तो शनि आपका सप्तमेश और अष्टमेश भी है, इसलिए स्वास्थ्य समस्याएं बनेंगी। आज आपका भाग्यशाली रंग है लाल और भाग्यशाली अंक है 6। तुला राशि। तुला राशि के पॉजिटिव चीजों की बात की जाए तो इस समय आप अपने काम में महारत हासिल करेंगे और आपके वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा भी आपके कार्य को सराहा जाएगा। आपके करियर में तरक्की होगी और यदि आप मन से मेहनत करेंगे तो आपको पदोन्नति मिल सकती है। अगर आपकी निगेटिव चीजें देखी जाए तो कई बातों को लेकर चिंतित हो सकते हैं, जिससे शारीरिक तथा मानसिक रूप से अस्वस्थता महसूस करेंगे। अगर आपके लव लाइफ की बात की जाए तो आप अपने प्रेम जीवन में आगे बढ़ेंगे और आपके जीवन में शांति, सद्भाव, रोमांस आदि का समावेश होगा और इस दौरान आपके अंदर कामुकता का भाव आएगा। अगर आपके व्यवसाय की बात की जाए तो यदि आप सर्विस इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल, प्रिंटिंग प्रेस, गैस तथा पेट्रोल और तेल जमीन से जुड़े कार्य, सब्जी का कार्य आदि करते हैं तो इस वर्ष आपको तरक्की अवश्य मिलेगी। अगर आपके स्वास्थ्य की बात की जाए तो स्वास्थ्य में कुछ हद तक सुधार आएगा। यदि आप किसी बीमारी से ग्रस्त है तो इस दौरान आपकी उस बीमारी में सुधार आएगा। आज आपका भाग्यशाली रंग है सिल्वर और भाग्यशाली अंक है 1। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के पॉजिटिव चीजों की बात की जाए तो आपकी आर्थिक स्थिति काफी बेहतर रहने वाली है और आप समय पड़ने पर अपने कुछ मित्रों और रिश्तेदारों की भी आर्थिक सहायता करेंगे। नौकरी पेशा लोगों को अधिक लाभ मिलेगा। अगर आपकी निगेटिव चीजें देखी जाए तो कठिन परिश्रम से सभी कार्य समय पर पूरे होंगे, लेकिन अनावश्यक खर्च बढ़ने से आर्थिक स्थिति प्रतिकूल हो सकती है। लेन देन में आपको सावधानी बरतनी होगी। अगर आपके लव लाइफ की बात की जाए तो आप अपने रिश्ते को एक नई रचनात्मकता देंगे और उसको मजबूत बनाएंगे। इस दौरान आप एक दूसरे के प्रति अत्यधिक आकर्षण भी महसूस करेंगे।
अगर आपके व्यवसाय की बात की जाए तो व्यापार धंधा अच्छा चलेगा और आकस्मिक धन लाभ के योग रहेंगे। कार्य क्षेत्र में नई जिम्मेदारियां मिलेंगी और सभी कार्य सफल होंगे। अगर आपके स्वास्थ्य की बात की जाए तो शरीर में गर्मी बढ़ना, बुखार, टाइफाइड, शरीर पर लाल चकत्ते पड़ना, इसमें से कोई समस्या होने की संभावना है। आज आपका भाग्यशाली रंग है हरा और भाग्यशाली अंक है 8। धनु राशि के पॉजिटिव चीजों की बात की जाए तो अचानक धन प्राप्ति की संभावना बन सकती है। अत्यधिक खर्च होने से आपकी फाइनेंशियल कंडीशन पर थोड़ा सा असर पड़ सकता है, लेकिन उसके बाद फिर से आपकी स्थिति पहले भांति मजबूत हो जाएगी। अगर आपकी नेगेटिव चीजें देखी जाए तो कार्य क्षेत्र में काम की अधिकता रहेगी, लेकिन कड़ी मेहनत से कार्यों में सफलता प्राप्त होगी और व्यापार धंधा अच्छा चलेगा। अगर आपके लव लाइफ की बात की जाए तो इस समय खुद को अपने प्रियजनों, विशेष रूप से जीवन में अपने साथी की जरूरतों के अनुरूप रखें। आप अपने प्यार की तरफ खींचे चले जाएंगे और अद्भुत शांति का एहसास होगा। अगर आपके व्यवसाय की बात की जाए तो बुजुर्गों के आशीर्वाद से व्यापार व्यवसाय अच्छा चलेगा और धन लाभ की स्थिति बनेगी। नौकरी में तरक्की के योग रहेंगे। अगर आपके स्वास्थ्य की बात की जाए तो नियमित रूप से एक्सरसाइज करनी चाहिए ताकि आप स्वयं को तंदुरुस्त बनाए रखें। आज आपका भाग्यशाली रंग है कथई और भाग्यशाली अंक है 2। मकर राशि के पॉजिटिव चीजों की बात की जाए तो आपको अपने मित्रों, रिश्तेदारों अथवा सगे संबंधियों द्वारा अनेक प्रकार से सहयोग तथा आर्थिक लाभ होने की स्थिति उत्पन्न होगी। आपकी संवाद शैली में अत्यंत महत्वपूर्ण बदलाव आएंगे और उनके द्वारा आप अपना काम बनवा पाने में सक्षम होंगे। अगर आपकी नेगेटिव चीजें देखी जाए तो कार्य क्षेत्र में आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। अनावश्यक खर्च बढ़ने से आप चिंतित रहेंगे, जिससे क्रोध की अधिकता रहेगी। अगर आपके लव लाइफ की बात की जाए तो आपको अपने प्रेम जीवन और उसके भविष्य के बारे में एक महत्वपूर्ण निर्णय लेने की आवश्यकता होगी। यदि आप सिंगल हैं, तो आपके जीवन में कोई दस्तक देगा और आप एक नए रिश्ते में सम्मिलित हो जाएंगे। अगर आपके व्यवसाय की बात की जाए तो व्यावसायिक क्षेत्र में छोटी छोटी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि मेहनत से कार्यों में सफलता मिलेगी और आर्थिक लाभ की स्थिति रहेगी। अगर आपके स्वास्थ्य की बात की जाए तो आपके लिए मुख्य चिंता का विषय आपके संतान का स्वास्थ्य होगा। आपको उस पर ध्यान केंद्रित करना होगा। आज आपका भाग्यशाली रंग है नीला और भाग्यशाली अंक है 7। कुंभ राशि के पॉजिटिव चीजों की बात की जाए तो पार्टनरशिप में बिजनेस करने वाले लोगों को अपने साझेदार से अच्छे संबंध बनाए रखने चाहिए, क्योंकि इस दौरान उनके प्रयासों से भी आपको आर्थिक लाभ होने की अच्छी संभावना है। अगर आपके नेगेटिव चीजें देखी जाए तो आपको अनेक खट्टे मीठे अनुभव होंगे। शनि की स्थिति आपको अपने परिवार से दूर भी रख सकती है और पारिवारिक जीवन में तनाव तथा उतार चढ़ाव लेकर आएगी। आप अपने पारिवारिक वातावरण में अधिक अच्छा महसूस नहीं करेंगे और आपको शांति की कमी महसूस होगी। अगर आपके लव लाइफ की बात की जाए तो यदि आप पहले से ही रिलेशनशिप में हैं, तो आप अपने रिश्ते में स्थिरता को महत्व देते हुए अपने साथी से सभी गिले शिकवे दूर करके प्रेम जीवन को मधुर बना पाएंगे। अगर आपके व्यवसाय की बात की जाए तो इस समय किसी बड़े वित्तीय जोखिम को उठाने से आपको बचना चाहिए। आपको धन का लेन देन और निवेश सोच समझ कर करना चाहिए। अगर आपके स्वास्थ्य की बात की जाए तो आपकी माताजी का स्वास्थ्य भी प्रभावित रह सकता है, लिहाजा उनके स्वास्थ्य पर सदैव ध्यान रखें। आज आपका भाग्यशाली रंग है पीला और भाग्यशाली अंक है 3। मीन राशि के पॉजिटिव चीजों की बात की जाए तो आपके उच्च शिक्षा के लिए बेहतरीन रह सकता है। बहुत समय से यदि उच्च शिक्षा को लेकर आप कोई प्रयास कर रहे हैं तो उसमें पूर्ण रूप से सफलता आपको इस समय मिलेगी। अगर आपकी नेगेटिव चीजें देखी जाए तो आपको अनेकों चुनौतियों से गुजरना होगा, जैसे एकाग्रता की कमी, अध्ययन में अरुचि, स्वास्थ्य समस्याएं और मानसिक व्याकुलता आदि। अगर आपके लव लाइफ की बात की जाए तो आप एक और रोमांटिक जीवन का आनंद लेंगे। आपको अपने प्रियतम के प्रति आकर्षण बढ़ेगा और आप एक दूसरे से उपहार का आदान प्रदान भी करेंगे। अगर आपके व्यवसाय की बात की जाए तो आपको पैसे को सावधानी पूर्वक खर्च करना चाहिए
और भविष्य के लिए उपयोगी योजनाएं बनानी चाहिए, ताकि वित्तीय संघर्ष के समय में आपको किसी बड़ी चुनौतियों का सामना न करना पड़े। अगर आपके स्वास्थ्य की बात की जाए तो आपका स्वास्थ्य उतार चढ़ाव से भरा रहेगा, इसलिए आपको एक अच्छी और संतुलित दिनचर्या का पालन करना चाहिए। आज आपका भाग्यशाली रंग है केसरी और भाग्यशाली अंक है 7। अगर आपके भी कारोबार में है रुकावट, या फिर आप करवाना चाहते हैं काल सर्प योग की पूजा, या मांगलिक पूजा, या संयोग बंधन, और या फिर आपकी नौकरी में आ रही है कोई रुकावट, ग्रह क्लेश, विदेश यात्रा, तरक्की में रुकावट, कठिन से कठिन समस्या का समाधान करवाएं आपके अपने पंडित महेंद्र पाल जी, शनिधाम वल्ला, नजदीक सब्जी मंडी मेहता रोड अमृतसर। मोबाइल नंबर 6284830458।